श्री कृष्ण, नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ उसको आप स्वीट भी बना सकते हैं, आप उसको सेवरी में नमकीन भी बना सकते हैं। वो है हमारा घुघरा। घुघरा को कई जगह गुजरात में और राजकोट इस तरफ गुंजिया भी बोला जाता है, जिसे आम भाषा में हम गुंजिया बोलते हैं। और जनरली हम बहुत बनाते हैं, दिवाली पर मीठा बनाते हैं, इसको हम नमकीन बना रहे हैं जिसको घुघरा बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं घुघरा। तीखा घुघरा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए आप केवल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आटा और मैदा दोनों एक साथ मिक्स कर रही हूँ। ये आधा कप मैदा है, साथ में ही आधा कप आटा है। इन दोनों को मिलाकर मैं इसका डो बना रही हूँ। इसमें मिला देते हैं एक छोटी चम्मच नमक। और मोइन के लिए हम यहाँ पे तेल मिला रहे हैं, आप चाहे तो घी मिला सकते हैं। जब हम कुछ मीठा बनाते हैं तो उसमें हम तेल मिलाते हैं, घी मिलाते हैं सॉरी, और जब हम कुछ नमकीन बना रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा सा तेल मिलाते हैं, तो उसका मोइन ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे घी भी मिला सकते हैं, मैं तेल मिला रही हूँ। लगभग मैंने 2 टेबल स्पून तेल मिलाया है इसके अंदर, ताकि हमारा ये जो डो है बिल्कुल, जब ये बन के तैयार होगा तो बिल्कुल खस्ता होगा ये एकदम से। देखिए इस तरह से, आप चाहे तो थोड़ा सा मोइन कम मिलाएं, लेकिन कम मिलाने से क्या है कि ये बिल्कुल खस्ता नहीं होगा, थोड़ा करारा रह जाएगा। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए ये हमारी जो मुट्ठी बन रही है इस तरह का होना चाहिए, अच्छे से मसल मसल के पूरा ऑयल इसके अंदर रवा हो जाए। देखिए ये हमारा डो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम पानी से इसका डो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें जब भी पानी मिलाएं तो ठंडा पानी मिलाएं। ठंडे पानी से हमेशा जो भी आप चीज बनाएंगे तो वो खस्ता बनेगी बिल्कुल। तो हम इसमें ठंडा पानी यूज कर रहे हैं, फ्रिज में रख दिया था पानी हमने। ठंडे पानी से इसका डो बना लेते हैं। ये देखिए ये डो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको अभी हम चिकना नहीं करेंगे, अभी इसको इसी तरह से बना के छोड़ देते हैं, ढक के इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। हमें चटनियों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हरी चटनी बना रहे हैं हम। हरा धनिया लेंगे, उसमें हाफ कप भी नहीं है, ये हरा धनिया हाफ कप है, जिसकी हम ये जो डंडिया है ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे थिकनेस आती है और इसके अंदर एक फ्रेशनेस आती है। साथ में ही हम यहाँ मूंगफली इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून मूंगफली है। मुझे तीखा पसंद है तो 4 से 5 हरी मिर्ची ले रही हूँ। यहाँ पे आप अपने धनिया के अनुसार, जितना आप धनिया ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके अनुसार लाल हरी मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियां मैंने ली है। ये हरी चटनी बनेगी हमारी, इसके अंदर डलेगा साथ में नींबू, नमक और जीरा टेस्ट के अनुसार। यहाँ पे 1 चटनी बनेगी लहसुन की। ये लहसुन की चटनी में हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, ये लाल मिर्ची है जिसको मैंने पानी में सोक कर लिया है, साथ में 10 से 12 लहसुन की कलियां, इन दोनों को एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे और इसके अंदर हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून विनेगर और नमक। यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए 3 से 4 जिनको मैंने मैश कर दिया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची कटी हुई, ये है हमारे पास अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, क्योंकि ये जो हम घुघरा बना रहे हैं ये तीखा होता है। और साथ में ये डाल रहे हैं हम लाल मिर्ची पाउडर है, ये देगी लाल मिर्च है जो एक सुंदर सा इसको कलर देगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी गरम मसाला और हरी मिर्ची डाल दी है। साथ में डाल रहे हैं हम थोड़ा सा धनिया। साथ में नमक 1/2 टीस्पून। सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं। ये 10 मिनट हो गए, हमारा आटा रेस्ट कर रहा था। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो गया है। और अब देखिए इसको, इसके ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और चिकना हो गया है। साथ ही इसके अंदर जो ऑयल था उसकी वजह से इसके ऊपर एक हल्की सी ऑयल की लेयर आ गई। देखिए इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल आ रहा है। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। आप इसको चाहे तो बराबर काट सकते हैं, चाहे तो इसको आप इस तरह से डायरेक्ट छोटे छोटे नींबू की साइज में तोड़ सकते हैं। देखिए ये हमने पेड़े बना लिए, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, आप जो साइज चाहे उस साइज के बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा छोटा शेप में भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, मैं दोनों आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारी स्टफिंग तैयार है, हमारा डो तैयार है। अब हम इसको बेलकर तैयार कर लेते हैं। पहले हम बेल लेते हैं। इसको बेलने के लिए देखिए हमें बिल्कुल सूखे आटे की जरूरत नहीं है या किसी भी तरह के पलोथन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अच्छा मोइन डाला है हमने।
पूड़ी की तरह इसको बेल लेते हैं, पूड़ी की साइज का ही। देखिए ये है भुजिया मेकर या गुजिया मेकर जिसको हम कहते हैं, इसको इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। मैं आपको इसको हाथ से भी बेल के दिखाऊंगी कि हाथ से कैसे बेला जाएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो इसके किनारे पे हम लगा लेते हैं पानी इस तरह से। अभी इसमें डाल देते हैं हमने ये जो आलू का मसाला बना रखा है, ये बहुत ओवर मसाला नहीं भरेंगे, लेकिन फिर इस तरह से मसाला भर दिया हमने और ये परत इसके ऊपर इसको इस तरह से दबा देते हैं। एक्स्ट्रा हम हटा देंगे, अच्छे से दबाते हैं। वैसे हमने पानी लगाया था तो इसके किनारे नहीं खुलेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पूड़ी की तरह हमने दूसरा डो भी बेल लिया है, दूसरा जो हमने लोया बनाया था। इसके किनारों पे हम पानी लगा लेते हैं, इसके अंदर हम रख देते हैं डो, एक डेढ़ टीस्पून डो आएगा इसके अंदर। इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। कई लोग इसको फोक लगा के किनारों से भी बंद कर देते हैं, हम इसको आपको बेल के दिखाते हैं। इसको इस तरह से देखिए लीजिए, इस तरह से दबाइए, फिर दबाइए, फिर दबाने के बाद फिर उठाइए इस तरह से, फिर वापस इस तरह से दबाइए। देखिए इस तरह से, तो आप जैसे दबा इसको भरना चाहे आप उस तरह से इसको भर सकते हैं। आप चाहे तो गुजिया मेकर में बनाए, चाहे तो हाथ से बनाए, इस तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे सभी घुघरे। देखिए इस तरह से एक कप आटे से हमने लगभग 9 से 10 घुघरे तैयार किए हैं। अब हमने यहाँ पे तेल गरम चढ़ा दिया है, मीडियम हॉट ऑयल है। अब इसमें जब हम घुघरे फ्राई करेंगे तो तेल को थोड़ा और स्लो कर लेंगे ताकि ये हमारे घुघरे आसानी से अंदर से भी सिक पाए, क्योंकि हमने आटा भी डाला है इसके अंदर। एक साथ बहुत सारे नहीं भरेंगे इसके अंदर। देखिए इसको पलट देते हैं इस तरह से, दोनों तरफ से पलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए तैयार है, इस तरह से सारे गोल्डन ब्राउन करके हम सेक लेंगे। इस तरह से आप इसको सर्विंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हरी चटनी तैयार है हमारे पास। हरी चटनी जब हम सामग्री बता रहे थे तो उसमें हम अदरक बताना भूल गए थे, इसमें हमने थोड़ी सी अदरक भी मिलाई है साथ में। ये लहसुन की चटनी देखिए इस तरह की होगी, बहुत गाढ़ी नहीं होगी और बहुत पतली भी नहीं होगी, लेकिन इस तरह की होगी। साथ में ये हमारे पास इमली की चटनी, तीनों चटनियां मिला के इसको सर्व किया जाता है। आप इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए इस तरह से, आप चाहे तो इसके दो टुकड़े भी कर सकते हैं, और फिर इस पे थोड़ी सी लहसुन की चटनी, थोड़ी हरी चटनी। इस तरह से तैयार है आपका घुघरा।